प्रोग्राम हार्ड लाइन के साथ मैं हूं निसीर अब्बासी और प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, एग्जामिन करेंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे हम 1947 से लेके आज तक यानी 2023 तक अदलिया मुकन्ना और इंतज़ामिया के बारे में, क्या कुछ खोया, क्या पाया, क्या नज़रिया ज़रूरत के तहत ही जो यहाँ पर लेजिस्लेशन होती रही है उसी के ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ है या वाकया ही जो रियासत की बेसिक जिम्मेदारी है वो पूरी हुई है। तो हमारे साथ यहाँ दो इस्लामाबाद से जिनका तल्लक है, सीनियर साफ़ी हैं अली शेर और शाकिर अब्बासी, उनसे हम बात करेंगे। जी अली शेर, सबसे पहले बताइएगा, जैसे कि मैंने कहा कि 1947 से लेके आज तक ये जो इदारे बिल्कुल आपस में जुड़े हुए हैं, आपकी अदलिया भी मौजूद है, मुकन्ना भी मौजूद है, इस्टेब्लिशमेंट यानी आपकी इंतज़ामिया भी इसी शरह दस्तूर के ऊपर है, इनका रोल क्या रहा है? देखिए, बिल्कुल ना उम्मीदी भी नहीं है, बहुत सी उम्मीद भी है, बहुत से काम अच्छे भी हुए हैं। मिसाल के तौर पे हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की बात करें 1973 की, एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, मुख्तलिफ अकवाम, मुख्तलिफ ख्याल, मुख्तलिफ आरा, मुख्तलिफ इख्तलाफात, उस सब को इकट्ठा करके फिर भी अगर रिकॉर्ड के ऊपर कुछ इख्तलाफ भी रखा गया है तो फिर भी जो 1973 का आइन बनाने वाले जितने भी बुज़ुर्ग थे उन्होंने एक कौमी आइन जो है वो पाकिस्तान को दिया, बुनियादी इंसानी हकूक से लेके इक्वलिटी तक, मुआशी हकूक तक वगैरह वगैरह, उनके ऊपर जो है वो अमल दरामद बड़ी हद तक जो है वो नहीं हुआ है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में जो लैंड रिफॉर्म्स थी, लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुई हैं, आज भी नहीं हुई हैं, कब से की गई थी भुट्टो साहब के दौर से लेके, लेकिन नहीं किया गया। वजह उसकी ये है कि एक ताकत जो है वो इन तमाम के ऊपर एक तरह से कंट्रोल या एक साये की तरह जो है वो कंट्रोल रखती है। आप वफाकी दारुलहुकूमत के अंदर मौजूद हैं और आप अभी तक उसी एक्ट के तहत अमल दरामद हो रहा है आपका, उसमें चेंज क्यों नहीं हुई? क्या हमारे पास पार्लियामेंट में वो सोच नहीं थी या वो पावर नहीं थी, क्या वजह क्या है? देखिए, एफसीआर का खात्मा तो हुआ जब ये साबिक फाटा को जम किया गया खैबर पख्तूनख्वा में, उसके पीछे तो हम लग रहे हैं खात्मा हुआ, लेकिन हाँ। उसी से मिलते जुलते कानून तो अंग्रेज दौर के अभी तक भी यहाँ पर हैं जिनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, उसी के तहत चल रहा है सर। उसकी वजह यह है कि हमारे जो इदारे या हमारे कुछ मुक्तदर तबकात या शख्सियात वो आज भी जो है वो इस बात पर यकीन रखती है एज पॉलिसी कि वो जो अंग्रेज़ का फार्मूला था लड़ाओ और हुकूमत करो, तो वो लड़ाते रहने पे यकीन रखती है। सजाद अली शाह से लेके, डोगर साहब से लेके और साकिब निसार और अभी आपके जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, टकराव आपस में आपको नज़र ही आया इदारों के दरमियान? देखिए, ये टकराव होता रहा है, नहीं होना चाहिए, लेकिन सच ये है कि हर कोई अपनी हदूद से बाहर निकलता है जिसकी वजह से टकराव होता है। पार्लियामेंट भी अपनी हदूद से बाहर निकलती है, जब उसको कोई ऐसी कानून साजी चाहिए होती है कि जो उसके मफाद में हो, जो उसके इक्तदार को मजबूत कर दे, जो उसके आने वाले इक्तदार को यकीनी बना दे, तो वो ऐसी कानून साजी भी काट डालती है जो आइन के बरखिलाफ होती है, जो दो तहाई अक्सरियत के बगैर हो नहीं सकती, लेकिन वो कर देती है। चूँकि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ज़माने में ये डिफाइन कर दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी सुप्रीम कोर्ट उड़ा सकती है जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा अगर उसके खिलाफ होगी। मिसाल के तौर पर इस्लाम के ख़िलाफ़, पार्लिमानी निज़ाम के ख़िलाफ़, इंसानी हकूक के हवाले से ये सारी कानून सारी सुप्रीम कोर्ट उड़ा सकती है, ये तय हो चुका, लेकिन हमारी हुकूमतें जो है वो ऐसा करती रही हैं, कर रही हैं। सुप्रीम आपका एग्जेक्टिव है या सुप्रीम आपका आइन है? यस, हम 1973 का जो आइन है भुट्टो साहब का और उस जमाने की पार्लिमान का दिया हुआ, उसमें आइन सबसे सुप्रीम है, सबसे सुप्रीम आइन है और आइन के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स, बेसिक स्ट्रक्चर्स तय कर दिए गए हैं कि रियासत का मजहब जो है वो इस्लाम होगा, रियासत का निज़ाम जो है वो पार्लिमानी होगा, रियासत में तमाम शहरी बराबर होंगे, ये वो चीज़ें हैं जिनको गारंटी कर दिया गया और उस गारंटी को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसने अपहोल्ड करना है, लेकिन ये नहीं लेकिन हो सकता। हाँ, वो अमल दरामद इसके ऊपर, अमल दरामद करवाना किसका काम है? इंतजामिया का। देखें, इंतजामिया जब डे टू डे अफेयर्स पे आएगी, ये जैसे सबका हुकूमत जाते जाते निजी यूनिवर्सिटियों के दर्जनों के हिसाब से जिस तरह उसने कवानीन पास किए, जितनी PTI के दौर में 3.5 साल में कानून साजी नहीं हुई, वो इनके 16 माह भी या आखिरी 1.5 महीने के अंदर हो गई। मतलब इस तरह का मजाक आप करेंगे, जिसमें वो सही बात कही अभी हाल ही में एक सुर्खी लगाई बड़ी अच्छी इशाद खान अब्बासी साहब की, कि अपोजिशन के बगैर पार्लिमान लंगड़ी बतख है। शाकिर साहब, आप बताइएगा कि 1843
इसका बहुत ज़्यादा चर्चा होता है। क्या पिछले 76 सालों में अवाम के जो बेसिक हकूक, जो राइट हैं, वो स्टेट उनको प्रोवाइड कर सकी है? अगर नहीं कर सकी तो उसमें बैरियर क्या है? मैं अगर कहूँ कि जस्टिस मनीर के नज़रिया ज़रूरत से लेकर जस्टिस मारू लक का फैसला, जो भुट्टो की हुकूमत ख़त्म करने के खिलाफ जब बेगम नुसरत भुट्टो लेके गई थी अदालत में, तो उन्होंने इसे जो है वो जायज़ करार दिया उस मार्शल लॉ को। और फिर उसके बाद जस्टिस जो डोगर हों से लेकर साकिब निसार तक, ये अदलिया का जो किरदार रहा ये बड़ा गुनाहाना रहा। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ डिक्टेटर अदलिया को ही नहीं कहूँगा, बल्कि यहाँ जर्नल और जर्नलिस्ट, ये दो जो किरदार रहे हैं, अहले सहाफत ने भी वो डंडी मारी है। और वो जो एक रोल था हमारा, और जो एक हमारी फौजी इस्टेब्लिशमेंट है, उसने जो एक अपने आईनी ऑर्बिट से, अपने हदूद से बाहर रहकर काम किए, उस सारे निज़ाम ने किसी एक को ज़िम्मेदार हम नहीं ठहरा सकते सारी जो है वो तबाही का। लेकिन जहाँ तक आपका स्पेसिफिक अदलिया के हवाले से क्वेश्चन है, तो मैं बिल्कुल ये आपको बता रहा हूँ कि इसमें अगर परसेंटेज देखी जाए तो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा किरदार अदलिया का था, क्योंकि अदलिया एक वॉय, उस तरह से एक वॉय डॉग थी। अदलिया जो है वो पार्लियामेंट के कानून की भी तशरीह करनी थी, अगर वहाँ से भी कोई गलत लेजिस्लेशन हो रही थी उसको भी अदलिया ने जो है वो प्रोटेक्ट रेक्टिफाई करना था। लेकिन अदलिया का वो जो एक छतरी का किरदार था, वो उसने बड़ा ही मिसयूज़ हुआ। यहाँ पर शराब की बोतलों पर तो 1843 अज़ खुद नोटिस होते रहे, लेकिन यहाँ कत्लेआम हुए, यहाँ इंसानी हकूक की पामाली हुई, यहाँ अरबों खरबों पे लूट लिए गए, वहाँ पर अज़ खुद नोटिस नहीं हुए। अच्छा, इस वक्त जो माशी बुरान आया हुआ है, लेकिन जब हम बात करते हैं जी कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि अवाम के फलाह बहबूद और उनके जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करना, इसके ऊपर कभी भी किसी भी कोर्ट ने सो मोटो एक्शन लिया है कि अशिया खुर्द और नोश की कीमतें कहाँ जा रही हैं, फ़लाँ हॉस्पिटल्स में ये फैसिलिटीज़ नहीं है, या फ़लाँ जो इलाके में है वहाँ पर ये इशू डेवलप हो रहे हैं जो वाकई बेसिक ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड हों? देखिए, मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ ना कि यहाँ शराब की बोतलों पर तो खुद नोटिस हुए, लेकिन इंसानी हकूक और अवामी इशूज़ पर कभी नहीं हुए। उसकी एक वजह थी कि यहाँ जब चीफ जस्टिस जो बनते रहे माजी में, उनका भी कोई मुझे एक मुनसिब से ज़्यादा वो सियासतदान लगे, उनकी झुकाव लगा, वो एडमिनिस्ट्रेटर ज़्यादा बनना चाहते थे इंसाफ करने के बजाय। और ये वो उनका जो एक क्या कहते हैं फैंटेसी थी, या वो अपने आप को एक पॉपुलर, उनके फैसले नहीं बोलते थे, वो खुद बोलते थे, ये चीज़ें बहरहाल इस अदलिया के निज़ाम को जो है वो तबाह कर गई। और वो जो रोल अदलिया ने अदा करना था तमाम लोगों को, उनको जो है वो एक निज़ाम के अंदर रहना था और जजा और सज़ा का एक सिस्टम चलाना था, वो खुद इसको पामाल करती रही। आज लाखों की तादाद में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जो हमारे कब में है, इसमें केस पेंडिंग है, लेकिन यहाँ कोई सियासी केस आ जाएगा तो अभी रात आएगा सुबह लग जाएगा। लेकिन किसी ऐसे ऐसे फैसले हुए कि लोगों को दुनिया से गए हुए जो है वो 10-10, 20-20 साल हुए, उनके केस आज लग रहे, तो अदलिया बहरहाल सबसे ज़्यादा कसूरवार है। लेकिन मैं समझता हूँ इंतजामिया का रोल कहाँ देख रहे हैं, इंतजामिया का क्या रोल रहा है इन 76 सालों में? देखिए, स्टेट जो है ना, बहुत सारी चीज़ें मिलकर एक स्टेट बनती है। यहाँ जुल्म ये रहा है कि यहाँ स्टेट विद इन स्टेट का भी एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा रहा है, और वो जो अदारे हैं उनको किसी एक अदारे ने इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होने दिया, डेवलप नहीं होने दिया कि वो अपने ताई खुद ऑपरेट करें। हमें सैलाब होता है तो फिर भी फौज भेजनी पड़ती है, हमें वापडा के मामला और बिल जमा इकट्ठे करने के बाद बाजूकात फौज भेजनी पड़ती है, हमें छोटे मोटे अमन अमान के मसलों पे पुलिस हमारी इतनी कैपेबल नहीं होती कि वो, तो इन चीज़ों में ये कहते हैं ना कि वक्त करता है परवरिश, बरसों हादसा एकदम नहीं होता। तो ये जो बाकी अदारे थे, किसी एक अदारे ने, किसी एक पावरफुल अदारे ने बाकियों को ग्रो ही नहीं करने दिया। टॉपिक है हमारा अदलिया, मुकन्ना और इंतज़ामिया। तो जब हम अदलिया की बात करते हैं तो हमारे साथ इस बार सीनियर वकील हैं जावेद बांडे साहब, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले बांडे साहब बताइएगा, 1947 से लेके आज तक अदलिया का रोल कैसा देख रहे हैं आप? अदलिया का बहरहाल एक रोल रहा है जिसके ऊपर बहुत सारे एतराज़ात भी रहे हैं। मसलन बिल्कुल शुरू में अगर आप देख लें तो सबसे पहले जो जस्टिस तमीज़ुद्दीन केस था वो एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी लेकर आया, जिसमें जस्टिस मुनीर ने ऐसा फैसला किया जिसमें नज़रिया ज़रूरत को फरोख मिला, को ट्रांजिशन ऑफ पावर जिसे हम कहते हैं उसमें उसको उन्होंने लिया। और उसके बाद जाहिर है कि नज़रिया ज़रूरत पाकिस्तान की अदलिया की ज़रूरत बन गया कि जब भी ट्रांजिशन ऑफ पावर होती तो उसके लिए ये नज़रिया ज़रूरत इस्तेमाल किया जाता। फिर आप देखेंगे 1958 में जो स्टेट वर्सेस 200 केस था उसमें भी इसी तरह हुआ, और फिर उसके बाद जाके 1972 में असमा जिलानी केस में ज्यूरिसप्रूडेंस चेंज हुई और नज़रिया ज़रूरत को डिस्कार्ड किया गया। नज़रिया ज़रूरत है क्या, आम व्यूअर्स के लिए बताइएगा? ये लॉ ऑफ नेसेसिटी है बेसिकली, ये बेस करता है हेन्स कैल्सन, एक अमेरिकन जूरिस्ट था, उसकी थेरी है प्योर थेरी ऑफ लॉ,
वो ये कहता है कि जब सोसाइटी के अंदर बेसिक ग्राउंड नॉर्म चेंज हो जाती है, जब बेसिक पावर स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, तो उसके बाद फिर जो उस वक्त प्रिवेलिंग पावर स्ट्रक्चर हो जाता है वो अपना लॉ इम्पोज करता है, तो फिर जो पहले से जो कानून होता है फिर उसको उस पर अमल नहीं किया जाता, यानी उस पर अमल नहीं किया जाता, बल्कि जो पावर स्ट्रक्चर होता है वो अपना कानून दे देता है। तो जिसकी वजह से फिर वो हम कहते हैं कि बेसिकली ये जो नज़रिया ज़रूरत है, यानी लॉ ऑफ नेसेसिटी मींस नेसेसिटी नीड्स नो लॉ, इट एक्चुअली क्रिएट्स अ न्यू लॉ। कौन कौन से लॉ है हमें बताइएगा जो अभी तक गोरे के बनाए हुए जिसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है हमारे मुल्क में? हमारे यहाँ ऑलमोस्ट जितने भी बेसिक लॉज हैं वो सब ब्रिटिश लॉज हैं। बेसिकली वी आर अ कॉमन लॉ कंट्री, और इसके अंदर अगर आप देखें तो जो पुलिस एक्ट है, जो कि बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस एक्ट सबसे ज़्यादा एक एफिशिएंट लेजिस्लेशन, एक मतलब इफेक्टिव लेजिस्लेशन है, जो कि 1861 का है, ठीक है। और जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है जिसके तहत तमाम जराइम की इन्वेस्टिगेशन की जाती है, वो 1898 का कानून है, यानी कि 125 साल पुराना कानून है जो अभी तक अमल दरामद यहाँ हो रहा है हमारे आजाद मुल्क। और इसी तरह सिविल जस्टिस सिस्टम के अंदर भी जो सिविल प्रोसीजर कोड है वो भी 125 साल पुराना है, वो 1908 का कानून है। और इसी तरह जो हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट का कानून है, जो कि जाहिर है कि बहुत सारी ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं, चूँकि ह्यूमन इंटरेक्शन है उसके, उसमें कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स के हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बहुत इंपॉर्टेंस है, ये कानून भी तकरीबन 150 साल पुराना है, यानी 1872 का कानून है। और एजुकेशन का, तालीम का, हाँ जी। और इसी तरह जहाँ तक आप ये कहते हैं ना कि जो हमारा तालीमी निज़ाम है, एक्चुअली हमारा तालीमी निज़ाम डिवाइज ही ब्रिटिश दौर का है। लॉर्ड मैकॉले ने इस निज़ाम को डिवाइज किया था, और ये निज़ाम इस तरह का है जिसमें क्रेमिंग सिस्टम है, जिसमें रटा सिस्टम है, और ये वो कहते हैं कि ये निज़ाम सिर्फ क्लर्क प्रोड्यूस करने के लिए डिवाइज किया गया था, और आज भी इस निज़ाम के तहत क्लर्क प्रोड्यूस होते हैं। कानून को चेंज क्यों नहीं किया गया जिनका आपने निशानदेही की कि 125 साल पुराने चले आ रहे हैं? क्या हमारे पास वो ब्रेन नहीं है या थिंक टिंकर नहीं है, वजह क्या है? असल में शायद इसकी वजह एडॉकिज्म है। हम उसी वक्त ही कानून बनाते हैं, उसी वक्त ही उन पे गौर व फिक्र करते हैं या उनके अंदर तब्दीलियां लेके आते हैं जब हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है। अगर हमें ज़रूरत नहीं है तो हम कहते हैं कि ठीक है, अगर सिस्टम चल रहा है तो उसको चलने दिया जाए। अच्छा, एक शेख बहुत ज़्यादा है 1843, इसके बारे में ज़रा आम व्यूअर्स को बताइएगा कि ये शेख बेसिकली क्या है, और क्या वाकई ये बेसिक ह्यूमन राइट, फंडामेंटल राइट जिसको हम कहते हैं, उससे इसका कोई तल्लक भी है? आर्टिकल 1843 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन को डिफाइन करता है, और इसका बेसिक मकसद ये है कि अगर कोई भी सिटीज़न अगर वो ये समझता है कि कहीं पे फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है जो कि जनरल पब्लिक को अफेक्ट कर रही है, तो फिर उस सूरत में वो सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन फाइल कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 1843 में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ले सकती है मैटर पे, और उसमें फिर रिट इशू कर सकती है, ऑर्डर्स इशू कर सकती है। लेकिन इसमें ये नहीं है कि कोई सिटीजन ही करे, इसमें सुप्रीम कोर्ट खुद भी सुओ मोटो नोटिस ले सकती है, जैसे वो लेती रही है बेशुमार। और सुप्रीम कोर्ट ने हज़ारों नोटिसेज लिए हैं, और बहुत इफेक्टिव का एक्चुअली 1843 तो बहुत इफेक्टिव आर्टिकल है, जिसमें जो सबसे बड़ी अदालत है मुल्क की वो एक्शन लेती है और वो अपना ऑर्डर और रिट जो है उसको इन्फोर्स करती है जहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के ऊपर जितने भी एक्शन लिए गए उसके ऊपर क्या अमल दरामद भी हुआ है फिर? बेसिकली सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने जितने भी ऑर्डर्स हैं उनमें अमल दरामद करवाने का पूरा अख्तियार रखती है, और आइन के मुताबिक रियासत के तमाम अदारे इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं। और लेकिन बाज़ोकात ऐसा होता है कि पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं, या बाज़ोकात सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो दो सूबों के दरमियान या मरकज़ और सूबों के दरमियान कोई ऐसा डिस्प्यूट हो जाए जिस पे वो डिक्लेरेटरी जजमेंट्स देती है सुप्रीम कोर्ट, तो उसके ऊपर जैसे अभी इलेक्शन के ऊपर दिया था लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, वो भी 1843 के तहत हुआ था। हाँ, बाज़ोकात ऐसा भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी ओपिनियन किसी चीज़ के ऊपर दे जिसमें किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अदारे की फंक्शनिंग के ऊपर कोई उसने अपनी ओपिनियन दी है, और उसमें हो सकता है कि अमल दरामद दूसरा ना हो सके जिस तरीके से वो जजमेंट दी गई है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में खास करके जब हम बात करते हैं कि बेशुमार लेजिस्लेशन होती हैं, और ये जो पार्लियामेंट की आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, फ्यूचर में अल्लाह करे कि कोई ऐसी जमात आए जो दो तहाई अक्सरियत ले के कानून साजी करे, और वो फिर अदलिया के पास अगर जाए भी तो वो कम अज़ कम वहाँ पर उसके ऊपर भी अमल दरामद हो
और ख़ास करके जब हम बात करते हैं इंतज़ामिया की, तो इंतज़ामिया का ही काम होता है कि जो कानून बनाएगी उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवाना। और पिछले 76 सालों में हमने क्या खोया क्या पाया, ये हमने आज डिस्कस किया प्रोग्राम हार्डलाइन में। फ़िलहाल नसीर अब्बासी को यहाँ डी चौक से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।